नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफैक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा देश तेजी से अर्बनाइज हो रहा है। वर्तमान में भारत में 34% पॉपुलेशन शहरों में रहती है और यूएन के एक सर्वे के अनुसार 2030 तक शहरों की पॉपुलेशन 41% तक हो जाएगी। इसका मुख्य कारण ये है कि गाँवों में रहने वाली ज़्यादातर जनसंख्या को रोजगार नहीं मिल पाता है। और जहाँ तक दोस्तों शहरों की बात करें तो शहरों की पॉपुलेशन तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और शहरों में लैंड स्पेस लिमिटेड होने के कारण इतनी तेज़ी से बढ़ रही पॉपुलेशन को बचाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में दोस्तों स्क्राइस्क्रैपर्स एक ऐसा साधन है जिससे बहुत सारी पॉपुलेशन को एक ही जगह पर बसाया जा सकता है। और पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ने के कारण स्क्राइस्क्रैपर्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वर्तमान में जिस बिल्डिंग की हाइट 150 मीटर से ज़्यादा होती है उसे स्काईस्क्रैपर की लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम भारत में बन रही टॉप 10 अंडर कंस्ट्रक्शन स्काईस्क्रैपर के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर बात करते हैं इंडिया बुल्स स्काई सूट्स की। दोस्तों, इस बिल्डिंग का निर्माण मुंबई के लोअर पारेल एरिया में किया जा रहा है जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस बिल्डिंग की टोटल लेंथ 291 मीटर है और वहीं इस बिल्डिंग में 75 फ्लोर्स बनाए जाएंगे। ये बिल्डिंग एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन अनुपम दे एंड एसोसिएट्स द्वारा तैयार किया गया है और वहीं इस बिल्डिंग के डेवलपर का नाम इंडिया बुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड है। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क 2010 से स्टार्ट है और इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 2021 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब नंबर 9 पर बात करते हैं वर्ल्ड व्यू टावर की। दोस्तों, इस बिल्डिंग का निर्माण मुंबई के लोअर पारेल एरिया में किया जा रहा है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 291 मीटर है और इस बिल्डिंग में 82 फ्लोर्स का निर्माण किया जाएगा। इस बिल्डिंग के साथ द वर्ल्ड वन और द वर्ल्ड क्रस्ट नाम की दो और बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। ये बिल्डिंग एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन पीक ऑफ रीड एंड पार्टनर्स द्वारा तैयार किया गया है। इसके डेवलपर का नाम द लोढ़ा ग्रुप है। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क 2011 से स्टार्ट है और 2022 तक इसका कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा कर लिया जाएगा। अब नंबर 8 पर बात करते हैं लोखंडवाला मिनर्वा की। दोस्तों, इस बिल्डिंग का निर्माण महालक्ष्मी मुंबई में किया जा रहा है और ये वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 297 मीटर है और वहीं इस बिल्डिंग में 90 फ्लोर्स का निर्माण किया जाएगा। ये बिल्डिंग एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन हफीज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा तैयार किया गया है और वहीं इसके डेवलपर का नाम लोखंडवाला कतारिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क 2010 से स्टार्ट है और 2022 तक ये बिल्डिंग पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। अब नंबर 7 पर बात करते हैं सुपरनोवा स्पायरा की। दोस्तों, इस बिल्डिंग का निर्माण सेक्टर 94 नोएडा में किया जा रहा है और ये वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 300 मीटर होगी और वहीं इस बिल्डिंग में 80 फ्लोर्स का निर्माण किया जाएगा। ये बिल्डिंग एक रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन बिनॉय द्वारा तैयार किया गया है और वहीं इसके डेवलपर का नाम सुपरटेक है। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क 2012 से स्टार्ट हो गया है और 2021 तक ये बिल्डिंग पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। नंबर 6 पर बात करते हैं HBS स्काईलिंक टावर की। दोस्तों, इस बिल्डिंग का निर्माण मुंबई के वर्ली एरिया में किया जा रहा है और ये वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 300 मीटर होगी और वहीं इस बिल्डिंग में 76 फ्लोर बनाए जाएंगे। ये बिल्डिंग एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन ACTA आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया गया है और वहीं इसके डेवलपर का नाम HBS रियल्टर्स है। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क 2015 से स्टार्ट है और ये बिल्डिंग 2023 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। अब नंबर 5 पर बात करते हैं नमस्ते टावर की। दोस्तों, इस बिल्डिंग का निर्माण लोअर पारेल मुंबई में किया जा रहा है और ये वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 316 मीटर होगी और वहीं इस बिल्डिंग में 68 फ्लोर्स का निर्माण होगा। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन एडकिंस दुबई द्वारा तैयार किया गया है और वहीं इसके डेवलपर का नाम जैगुआर बिल्डकॉन है। ये बिल्डिंग एक मिक्स्ड यूज रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क 2011 से स्टार्ट है और ये बिल्डिंग 2022 तक पूरी तरह बनकर कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 4 पर बात करते हैं पैलेस रॉयल की। दोस्तों, इस बिल्डिंग का निर्माण लोअर पारेल मुंबई में किया जा रहा है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 320 मीटर होगी और वहीं इस बिल्डिंग में 56 फ्लोर्स का निर्माण किया जाएगा। ये बिल्डिंग एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन तलाती पंठाके एसोसिएट्स द्वारा तैयार किया गया है और वहीं इसके डेवलपर का नाम ऑनेस्ट शेल्टर्स है। दोस्तों, ये भारत की पहली सुपर टॉल स्काईस्क्रैपर है जिसको एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने के लिए अवार्ड मिल चुका है। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क 2008 से स्टार्ट है और ये बिल्डिंग 2020 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। अब नंबर 3 पर बात करते हैं ओशन टावर 1 की। दोस्तों, इस बिल्डिंग का निर्माण कालवा देवी मुंबई में किया जा रहा है और ये वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 331 मीटर होगी
और इस बिल्डिंग में 73 फ्लोर्स का निर्माण किया जाएगा। इस बिल्डिंग के साथ ही ओशन टावर 2 नाम के एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 70 फ्लोर्स बनाए जाएंगे। ये बिल्डिंग एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन फोस्टर एंड पार्टनर्स द्वारा तैयार किया गया है और वहीं इसके डेवलपर का नाम मरीन ड्राइव हॉस्पिटैलिटी एंड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और DB हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड है। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क 2017 से स्टार्ट हो गया है और 2025 तक ये बिल्डिंग पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। नंबर 2 पर बात करते हैं 360 वेस्ट टावर बी की। दोस्तों, इस बिल्डिंग का निर्माण वर्ली मुंबई में किया जा रहा है और ये वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 372 मीटर है और वहीं इस बिल्डिंग में 85 फ्लोर्स का निर्माण किया जाएगा। इस बिल्डिंग के साथ 360 वेस्ट टावर ए नाम की एक और बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है जिसकी टोटल हाइट 260 मीटर होगी और इसमें 53 फ्लोर्स बनाए जाएंगे। दोस्तों, 360 वेस्ट टावर बी एक रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन कोहन पेडरसन फॉक्स द्वारा तैयार किया गया है और वहीं इसके डेवलपर का नाम ओबेरॉय रियल्टी है। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क 2011 से स्टार्ट है और ये बिल्डिंग 2021 तक बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगी। अब नंबर 1 पर बात करते हैं द इम्पीरियल 3 की। दोस्तों, ये बिल्डिंग भारत की टालेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन स्काई स्क्रैपर है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नंबर 1 पर तो द वर्ल्ड 1 होनी चाहिए थी जिसकी टोटल हाइट 442 मीटर होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिस्ट्रिक्शन के कारण द वर्ल्ड 1 बिल्डिंग की हाइट 285 मीटर तक ही सीमित कर दी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं द इम्पीरियल 3 टावर की। दोस्तों, इस बिल्डिंग का निर्माण तारदेव मुंबई में किया जा रहा है जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 396 मीटर है और वहीं इस बिल्डिंग में 116 फ्लोर्स बनाए जाएंगे। इस बिल्डिंग के साथ द इम्पीरियल 1 एंड द इम्पीरियल 2 नाम की दो बिल्डिंग्स पहले से ही बनी हुई हैं। द इम्पीरियल 3 का डिज़ाइन एड्रियन स्मिथ एंड गोल्डन गिल द्वारा तैयार किया गया है और वहीं इसके डेवलपर का नाम शापूरजी एंड पलौंजी कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ये बिल्डिंग एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क 2016 से स्टार्ट है और ये बिल्डिंग 2025 तक बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश में बन रही टॉप 10 अंडर कंस्ट्रक्शन स्काई स्क्रैपर्स। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।